नमाज कौन पढ़ता है या नहीं पढ़ता। सवाल ये है कि किसकी नमाज नबी वाली है और किसकी नमाज इबलीस वाली है, किसका सजदा मुस्तफा वाला है और किसका सजदा इबलीस वाला है। यहीं पर फर्क अब्द और आबिद का पता लग जाता है। आबिद इबादत करता है, अब्द भी इबादत करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी पर नहीं करता, खालिक की मर्जी पर करता है। ये नहीं कि मस्जिदें भर ली जाएं और इबादत की जाए, कुरान कहता नहीं। हदीस कुदसी का शैतान, मुझे वो इबादत नहीं चाहिए जो तू चाहता है, तू इबादत मेरी कर रहा है, पसंद मुझे आनी चाहिए ना कि तुझे। भाई एक सवाल है, आप घर बना रहे हैं मेरे लिए, मैं कहूं इस घर में चार कमरे हों, दरवाजा ऐसा होना चाहिए, एंट्रेंस ऐसा, आपका नहीं, मैं अपनी मर्जी पे बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा घर मेरे लिए बना रहे हो, अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो। तो हम जब इबादत करते हैं तो मर्जी किसकी चलानी है, अल्लाह की चलानी है। किसके लिए इबादत कर रहे हैं, अपने लिए या खुदा के लिए। जब परवरदिगारे आलम के लिए इबादत है तो मर्जी भी किसकी चलेगी, उस परवरदिगारे आलम की चलेगी। आज यही मसला है, मुस्लिम की कमी नहीं है, आज अगर कमी है तो मोमिन की कमी है। और मैं कहता हूं मोमिन बनने के लिए सबसे ज्यादा जिसको मेहनत करनी चाहिए वो अली वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका मौला है जो अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे मौला मोमिनों के अमीर हैं, और जब मोमिन बनोगे तो अली इब्न अबी तालिब तुम्हारे अमीर बनेंगे।